29 मई की देर शाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोलियों से छलनी कर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया था। उसके कुछ दिनों बाद ही लॉरेंस गैंग ने सलमान को चिट्ठी के जरिए धमकी दी थी कि उनका हाल भी मूसेवाला की तरह किया जाएगा। अब सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी के मामले में एक और खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच करने वाले अधिकारियों को पता चला है कि सलमान खान पर लॉरेंस बिश्नोई के जिस शार्प शूटर की पैनी नज़र थी वो उन्हें उनके साइकिलिंग के टाइम पर मारने वाला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सलमान खान को जान से मारने की सुपारी दी गई थी तब ये शूटर सलमान खान पर उनके घर के बाहर ही हमला करने वाला था, लेकिन एक्टर बाल बाल बच गए। चौंका देने वाले इस मामले का खुलासा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हुई हत्या के जांच के दौरान हुआ है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच करने वाले अधिकारियों को कुछ ऐसी जानकारियां हाथ लगी हैं जिसे अभी तक हर कोई अनजान था। शूटर ने सलमान खान को उनके घर के बाहर जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन अभिनेता इससे बाल बाल बच गए। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में संदिग्ध है, उसने मुंबई शूटर को भेजा था। इस बदमाश के पास सलमान खान को मारने के लिए एक छोटी सी बंदूक थी जिसे हॉकी के एक मॉडिफाइड केस में रखा गया था। कई दिनों की रेकी के बाद वो सलमान खान को मारने ही वाला था, लेकिन सलमान इस हमले में बाल बाल बच गए। इस बदमाश ने पहले पता किया था कि सलमान खान सुबह के समय साइकिलिंग के लिए जाते हैं, उस दौरान उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होते और सलमान इस समय बिल्कुल अकेले होते हैं। यही वो समय है जब अभिनेता को जान से मारने के लिए चुना गया था। हालांकि जिस दिन शार्प शूटर सलमान खान को मारने वाला था उस दिन सलमान के घर के बाहर मुंबई पुलिस की एक टीम तैनात थी, क्योंकि सलमान को उस दिन एक पब्लिक इवेंट में शामिल होने के लिए जाना था। बता दें कि इससे पहले सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी के मामले में ये खुलासा हुआ था कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को धमकी देने के लिए 3 लोगों को मुंबई भेजा था। सलमान खान को धमकी देने के पीछे बॉलीवुड में डर का माहौल बनाने का प्लान था ताकि बड़े बड़े एक्टर्स से पैसे वसूले जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।